हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट्स। कल मैंने यूएस मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 2-2.5% कट देखा अक्रॉस इंडाइसिस। डाओ, एस नैसडैक एंड S&P ऑल फेल बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल टेंशंस प्रोलोंगिंग मोर देन दी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे। एक ये भी है जिसके वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जिस तरीके से क्रूड ने बिहेव किया इन लास्ट कपल ऑफ डेज, इट हैज़ टच्ड $130 पर बैरल। तो ये एक इन्फ्लेशन फियर्स क्रिएट कर रहा है, नॉट जस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल, जहाँ पे US में भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन केस ऑफ द एशियन मार्केट्स दिस मॉर्निंग इज़ ट्राइंग टू बी फ्लैट टू पॉजिटिव, जहाँ पे निकाय इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग फ्लैट टू नेगेटिव। हैंगसेंग थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, शांघाई भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। SGX निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है करीबन 50-70% कट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो करीबन 0.5% का कट हम देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है फ्रॉम दी हाई लेवल्स ऑफ 130 और अब 122-123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड फ्रॉम 2005 लेवल्स इट हैज़ करेक्टेड डाउन टू $1986 पर आउंस, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एंड हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया है फ्रॉम दी अबाउट 2000 लेवल्स। रुपी जहाँ पे मेरा क्लियर व्यू था इन लास्ट कपल ऑफ डेज, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट रुपी, जो एक बड़ा रेंज था, एक मंथली कंसोलिडेशन काफ़ी मंथ से चल रहा था बिटवीन द रेंज ऑफ 72-73 से लेके 75-76। ये एक 4-5 रुपये का जो रेंज था, फाइनली इट हैज़ बीन ब्रोकन आउट ऑन दी अपसाइड, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर आस बट इट हैज़। सो कल हमने ऑलमोस्ट 77 लेवल्स देखा और मुझे लगता है जो अभी फ्रेश लेवल्स अभी होगा ऑन दी डाउन साइड, इट वुड बी अराउंड 75-76 से लेके ऑन दी अपसाइड वुड बी अराउंड $80 अगेंस्ट द डॉलर। हम FIS की कंटिन्यूसली सेलिंग देख रहे हैं, तो 7482 क्रॉस की उन्होंने बिकवाली की है। सामने DIS की खरीदारी करीबन 5331 क्रॉस की रही है। 10-year G-Sec भी ऑलमोस्ट एट द हाई पॉइंट इन लास्ट फ्यू मंथ्स रहा है, सो 6.888 का कल लेवल हमने देखा इन 10-year G-Sec। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन के जो प्रेशर्स हैं वो प्राइस इन कर रहा है 10-year G-Sec। और उसके साथ साथ कल बार्कलेस ने भी अपना CPI इन्फ्लेशन 22-23 का रिवाइज किया है फ्रॉम 4.5% टू 5.1%। सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइस जिस तरीके से राइज हुआ इन लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, दैट हैज़ मेड दी बार्कलेस रिवाइज द CPI एस्टिमेट्स। उसके साथ साथ आप निफ्टी की अब बात करें, तो निफ्टी का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट और हमने जो करेक्शन एक्सपेक्ट किया था वो उसी लाइन से चल रहा है, और फाइनली हम देख रहे हैं कि करीबन 15,500 के आसपास हम आते हुए देख रहे हैं। कल की क्लोजिंग 15,800-850 के आसपास थी, लो हमने 15,700 का बनाया। यहाँ से हम सिर्फ 200-250 पॉइंट दूर है या 300 पॉइंट दूर है अपने 15,500 लेवल से। क्या ये यहाँ पे रुकेगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि वीकनेस अभी भी जारी है। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं, नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बट मंथली चार्ट्स पे मैंने क्लियरली आपको मेरे ख्याल से लास्ट मंथ या 2-3 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि मंथली चार्ट्स पे निफ्टी इज़ नॉट लुकिंग सो ग्रेट। वीकली चार्ट्स तो पहले ही वीक हो चुका था, तो मंथली चार्ट से एक अच्छी बात है कि करेक्शन जो काफ़ी लोग साइडलाइंस में खड़े थे और कह रहे थे कि ये नॉन स्टॉप रैली रही है कोविड के टाइम पे, फ्रॉम ऑड 7,500 लेवल से हमने ऑलमोस्ट 18,600 देखा, कोई एक अच्छा खासा करेक्शन नहीं देखा। फाइनली कोविड ख़त्म होने के बाद अब हम करेक्शन देख रहे हैं। ये जनरली ऐसा ही होता है व्हेन एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कोविड, जो इजी मनी अवेलेबल था दैट इज़ नॉट अवेलेबल हेंस फोर्थ। अब तो इन्फ्लेशन के प्रेशर्स आ गए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट को वोलेटाइल बना रही है, करेक्शन दिखा रही है। और हम देख रहे हैं कि US मार्केट्स ऑलमोस्ट 20% अपने टॉप से करेक्ट कर चुका है, तो विच इज़ बेसिकली मेंट इन इन दी एक्विटी मार्केट
एंटरिंग इन टू दी बेयर मार्केट टेरिटरी, ये क्या प्रोलॉन्ग रह सकता है वो हमें देखना होगा। जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके से हम पहले ये देखेंगे जियो पोलिटिकल इशूज़ कैसे सॉर्ट आउट होते हैं, उसके बाद क्योंकि इकनॉमी तो पूरी खुल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो आई फील जनवरी से मार्च क्वार्टर अच्छा रहेगा, और अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर अर्निंग्स रहेगा वो बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पी हम किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, अराउंड 20 PE के ट्रेड के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम ये करेक्शन अगर यहीं रहे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, आर द प्राइस अर्निंग्स विल फॉल बिलो 19, 18.5 के आसपास आ जाएगा। हम कोविड का जो लो था, द ट्रेलिंग पी वॉज अराउंड 17, 17.5, ट्रेलिंग पी की मैं बात कर रहा हूँ। सो दैट वॉज ऑन 23rd, मेरे ख्याल से 23rd मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। तो जब ट्रेलिंग पी वॉज अराउंड 17, 17.5, टू बी प्रेसिस, मेरे ख्याल से 17.3 था, बट यू कैन चेक एंड गूगल इट। बट अदरवाइज स्पीकिंग हम अभी 20 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। अब आपको मिस नहीं करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर यहाँ पे टाइम करेक्शन मेरे ख्याल से ज़्यादा मायने रखेगा कि अगर हम क्या ये हम ये 15,500 से लेके 16, 16.5 जो भी लेवल है, ये 500, 600, 700 पॉइंट के लेवल्स पे हम क्या टाइम स्पेंड करते हैं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन इंस्टेड ऑफ प्राइस करेक्शन कंटिन्यूज टू हैपन। बिकॉज प्राइस करेक्शन के बाद से इमीजिएटली रिवर्सल वी शेप रिकवरी सिर्फ कोविड के टाइम पे हुआ था, बट अदरवाइज अगर हम स्ट्रक्चरली अगर हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से प्राइस करेक्शन के बाद एक टाइम करेक्शन अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं 15,000 से लेके 16,500 सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स टाइम हमारा जो भी बॉटम है विच इज़ मोर और लेस टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज वी आर प्राइस वाइज तो मेरे ख्याल से मोर और लेस वी आर सॉर्टेड। इन केस ऑफ टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताना चाहिए तो टाइम वाइज भी हो जाएगा। अगर हम 2 महीने या 1 से 2 महीने भी अगर हम इसी लेवल्स पे हम टाइम बिताएं, दैट बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू दी इंडियन मार्केट। तो क्या करना चाहिए, तो सिंपल है। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में साइडलाइंस में बैठे हो काफ़ी टाइम से, आप सोच रहे हो अरे करेक्शन नहीं हो रहा, करेक्शन नहीं हो रहा, अब फाइनली द करेक्शन इज़ देयर, नाउ यू नीड टू बी स्लाइटली मोर अग्रेसिव एंड ग्रीडी इन योर अप्रोच एट दीज काइंड ऑफ लेवल्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अपनी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए। मैंने पर्सनली कल भी डिप्लॉय किया हुआ है, 16,300, 16,400 पे भी डिप्लॉय किया है। अगर मुझे लगता है 15,500 नेक्स्ट 2-3 दिन में आ जाता है, तो जो मेरा लास्ट ट्रांच है आई बी डिप्लॉइंग इट पर्सनली स्पीकिंग। तो मैंने कल डिप्लॉय किया एट 15,700, 15,800। तो अगर यहाँ पे 2-3% और करेक्शन हो जाए या 4% हो जाए तो आई बी 100% डिप्लॉयड इन दी एक्विटी पर से। सो मैंने म्यूचुअल फंड्स में थ्रू स्विच तो मैंने कर दिया है। अब SIPs आपको अगर नहीं की है तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर लमसम आपके पैसे साइडलाइन में पड़े हैं तो यू शुड डिप्लॉयड। अगर आपने नहीं आपको थोड़ा डर लग रहा है तो द बेस्ट वे इज़ टू डू एन STP ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। STP इज़ बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ऑन अ यू कैन डू इट ऑन अ वीकली बेसिस, यू कैन डू इट ऑन अ मंथली बेसिस, ये आपके ऊपर है। बट मेरा मेरा अगर यही रहेगा राय कि ओवर द नेक्स्ट 3 महीने आप करिए, मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई, मेरे को लगता है 3 महीने अगर आप STPs करते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट बी द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। मेरे ख्याल से इसमें टाइम करेक्शन एंड वैल्यू करेक्शन दोनों ही कैप्चर हो जाएगा। इन केस ऑफ द स्टॉक्स, स्टॉक्स जैसे हमने 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, और देखिए किस तरीके से UPL इट हैज़ नॉट करेक्टेड, एब्सोल्यूटली नॉट। इन लास्ट 3-4 डेज हमने 660, 670 पे मेंशन किया था, आज 730 लेवल्स पे है। बायबैक उन्होंने अनाउंस किया है फ्रॉम दी ओपन मार्केट एट अराउंड 875, मैक्सिमम 875,
ओवर द नेक्स्ट 3-6 months देर बी द प्रोमोटर्स विल बी बाइंग. सो उनका फेयर प्राइस अजम्पशन है ऐसे 875 के बियॉन्ड वो बाय नहीं करना चाहेंगे. तो 875 तो वो खुद ही कह रहे हैं कि उस लेवल तक वो खुद बाइंग करेंगे. तो यूपीएल एक अच्छा खासा स्टॉक है, मुझे लगता है अगर किसी का लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आप उसमें लेके चल सकते हो. केना कंस्ट्रक्शंस, कल हमने काफ़ी टाइम के बाद एक प्राइस करेक्शन देखा, एक शार्प करेक्शन ऑफ अराउंड 6.5-7%. और ये हमने नोटिस किया कल भी एल एन टीम ने भी एक शार्प करेक्शन हमने देखा. सो एल एन टी करेक्टेड और अराउंड 1660-1650 के आसपास. तो दोनों ही स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं. सो इन केस ऑफ केना कंस्ट्रक्शन एल एन टी, ये दो अच्छे स्टॉक्स हैं ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, यू कैन बाय. इन केस ऑफ हाँ मेटल्स मैं अगेन आई हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव और अभी भी हूँ. उसमें दो तीन स्टॉक्स तो मैं हमेशा बार बार मेंशन करता हूँ, तो टाटा स्टील, NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, मतलब आपको ले लेना चाहिए. इसमें देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द पोर्टफोलियो. द प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, दे आर ट्रेडिंग इन अ सिंगल पी, 5 से 8 से 9 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं. बहुत ही सस्ता प्राइस मल्टीपल्स हैं और मुझे लगता है इसमें कंफर्ट ऑन दी डाउन साइड काफ़ी अच्छा है. और जिस तरीके से मेटल प्राइसेस ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू दी प्राइस ऑल्सो कि यहाँ पे डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है. और जिस तरीके से इनकी बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज़ ड्रामेटिक. वेदांता की आप बात करो, टाटा स्टील की बात करो, सेल, NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, यू नेम इट, ऑल दी मेटल स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल. निकल के प्राइजेस कल हमने देखा 70% एक दिन में बढ़े हैं निकल के प्राइजेस. तो आप समझिए मेटल प्राइजेस में क्या हो रहा है. तो मुझे लगता है इस ऐसे स्टॉक्स में, इस ऐसे सेक्टर में आपको बने रहना चाहिए और बाइंग करनी चाहिए. और बहुत सारे वैल्यू पिक्स हैं, मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स अच्छे खासे करेक्ट हो रहे हैं. थोड़ा और हो सकता है बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा सेक्टर. तो यहाँ पे आपको बैंक करनी चाहिए धीरे धीरे. यू जस्ट लिस्ट डाउन योर स्टॉक्स, मुझे मेरे ख्याल से ICICI बैंक, एक्सिस, SBI, NNM, HDFC बैंक, सो दीज आर द 4-5 बैंक्स यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन एंड बाय एज पर योर कम्फर्ट एंड योर एज पर योर स्टडी, बिकॉज यू नीड टू डू योर ओन स्टडी बिफोर बाइंग एनी स्टॉक. सो ये थॉट के साथ आई विल जस्ट क्लोज दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. एंड अगर ये आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो वो प्लीज़ मैंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में. सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं. थैंक यू.